श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ भाई वो तो सारे ही मुगल जो थे वो बुरे थे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुगल तो सारे ही क्रूअल थे और सारे ही आक्रमणकारी थे और उन सभी ने जो है भारत में लूट खसोट करी और सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और हमारी संस्कृति को नष्ट किया और लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मजहब परिवर्तन में परिवर्तित करने की कोशिश करी और विमेन को किडनैप किया और कटे हुए सिरों की मीनारें लगाई। पर अकबर के बारे में इसलिए ये स्ट्रीम करनी जरूरी थी क्योंकि लोग अकबर को बाकी वाले मुगलों से अलग बताते हैं, तो इसलिए जो है अकबर के बारे में बताना अवश्य था क्योंकि अकबर को लोग कहते हैं कि वो और मुगलों जैसा नहीं था और वो मुसलमान नहीं था इत्यादि इत्यादि। इसलिए तो मैं आज नया अध्याय इसका शेयर करती हूँ पीएनओ के द्वारा लिखी हुई किताब का, जो कि है दीन इलाही पर, जो कि एक मजहब था जो कि इसने स्टार्ट किया था अकबर ने। तो दीने इलाही शब्द का अर्थ है परमात्मा का अपना धर्म या व्यवस्था। भारतीय इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में इसे श्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनका ताना बाना अकबर ने अपनी प्रजा की धर्म भावना की तुष्टि के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए बुना। कहते हैं कि अकबर को जितने धर्मों की जानकारी थी उन सबको मिलाकर उसने यह धर्म तैयार किया। यदि उस काल्पनिक धर्म व्यवस्था की अपार प्रशंसा को ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि सब प्रशंसा अनर्गल प्रलाप है। दीने इलाही धर्म का प्रादुर्भाव अतिशय महानमय अतिशय अहम मन्य अकबर और अत्यधिक धर्मांध मुस्लिम मुल्लाओं, जिनमें काजी मौलवी और मौलाना लोग शामिल थे, निरंतर कटु संघर्ष के फलस्वरूप हुआ। यह मुल्ला वर्ग परंपरागत विचारों में पला हुआ था। सर्वशक्तिमान तानाशाह के रूप में अकबर किसी भी निरंकुश कार्य पर कोई अंकुश या प्रतिबंध जगाए जाने पर या उस पर आपत्ति किए जाने की बात सहन नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मुस्लिम मुल्ला वर्ग इस बात से परेशान था कि अकबर उनके निजी विवाहित जीवन पर प्रहार करता था, उनकी पत्नियों और बहनों को मादक द्रव्य अफीम खिलाकर उनका अपहरण कर लेकर उनको अपने हरम में ले जाता था और उनकी संपत्ति को लूट लेता था या जब्त कर लेता था। उसके निरंकुश और तानाशाही आचरण से तंग आकर वे उसके विरुद्ध धार्मिक उत्पत्तियां उठाते और प्रतिबंध लगाते। अगर उनका प्रतिरोध करता तो वह यह दावत करता कि मुझ पर तुम्हारे नियम लागू नहीं होते क्योंकि मैं ही अपने धर्म का पालन करता हूं जो स्वयं परमात्मा का धर्म है। इस प्रकार ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलेगा कि जिसे अकबर का आश्चर्यकारी धर्म कहा जाता है वह वास्तव में धर्म की विपरीत दिशा है या उसके निरंकुश और तानाशाही व्यवहार पर लगाए गए सभी धार्मिक प्रतिबंधों के प्रति विरोध मात्र है। अकबर के दरबार में रहकर अध्ययन करने वाले ईसाई पादरी मनसरेंट ने भी ठीक यही बात लिखी है। मनसरेंट को निराशा और शोभ हुआ था। अपनी कमेंट्री के प्रश्न नंबर 192, 196 पर वे लिखते हैं, यह संदेह करना उचित होगा कि जलालुद्दीन अकबर ने ईसाई पादरियों को जो निमंत्रण दिया था वह किसी धर्म भावना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि उसने उत्सुकतावश नई बातें सुनने की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर ऐसा किया था। संभवतः उसकी यह इच्छा थी कि मनुष्य की आत्मा का हनन किसी नए ढंग से किया जाए। रोडोल्फिन एक और ईसाई पादरी ने यह आशा व्यक्त की थी कि जलालुद्दीन भ्रष्ट जीवन में से निकलकर परमात्मा की उपासना में लग जाएगा। परमात्मा ने उसे बर्बर और आतताई मुसलमानों के बीच में से मृत्यु और विनाश की बहुत सी धमकियों में से बिना हानि बचा लिया। 15 जुलाई 1583 को 33 वर्ष की अवस्था में उसका कत्ल कर दिया गया। मनसरन ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दीने इलाही मनुष्यों की आत्माओं को कुंठित करने का एक दो मुहा ढंग था, उसके परित्राण का साधन नहीं था। तो ये जो अकबर था, इसने जो दीने इलाही मजहब निकाला, ये केवल एक रिवोल्ट की वजह से निकाला कि भाई उसको जो मुल्ला मौलवी थे उनसे ताकि वो उस पर कोई धर्म के नियम ना लगा दें इस्लाम धर्म के, तो इसलिए उसने इस्लाम मजहब के, तो इसलिए उसने उसके रिवोल्ट के अगेंस्ट में ये किया। और जो मुल्ला मौलवी उससे बड़े परेशान इसलिए थे क्योंकि वो उनकी भी बीवियों को उनका अपहरण करवा लेता था और उनको मादक द्रव्य पिलाता था। और लोगों को उसने ईसाई पादरियों को अपने देश में इसलिए इन्वाइट किया था ताकि वो नई नई बातों को सुने, इसलिए नहीं कि वो बड़ा धर्मात्मा हो गया था। तो धर्म क्या है, इसकी जांच के लिए कुछ निश्चित कसौटियां निर्धारित हैं। हर धर्म के अपने मंदिर अथवा पूजा स्थल होते हैं। दीने इलाही का ऐसा कोई उपासना ग्रह नहीं था। हर धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है, हर धर्म की कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, हर धर्म में संसार के अस्तित्व की अपनी व्याख्या होती है, परित्राण पाने का अपना ढंग बताया जाता है, परंतु दीने इलाही में कुछ नहीं था। दीने इलाही खाली नाम का उसने बोल दिया था, पर उसका न तो कोई मंदिर था, न कोई पुजारी था, न कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो इसलिए कहना होगा कि किसी कसौटी पर परखे बिना दीने इलाही को धर्म कहकर इतिहासकारों ने एक बड़ी गलती करी है। इतिहासकार तो हमारे महामूर्ख है, न केवल वो ये नहीं देखते बल्कि हर चीज को जो चली आ रही है उसको वैसे ही बोल देते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ सच ही होगा। पादरी मनसरेंट ने अपनी कमेंट्री में एक पाद टिप्पणी में कहा है कि दीन इलाही की एक मुख्य बात यह थी कि अकबर पर ईमान लाओ, यानी कि अभी तक तो मोहम्मद अपने ऊपर कहता था कि भाई मेरे ऊपर ईमान लाओ क्योंकि मैंने किताब ये लिखवाई है, तो ये तुम किताब को मानो और किताब कहती है कि मोहम्मद को मानो। इसी तरह जो है ये अकबर ने कहा कि भाई तुम इस जो है इस पर दीन इलाही पर ईमान लाओ। ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अकबर वही गॉड कॉम्प्लेक्स, अकबर हमवादी व्यक्ति था। उसकी सदा यह इच्छा रहती थी कि लोग उसे बादशाह, सर्वशक्ति संपन्न, पैगंबर, परमात्मा सभी कुछ मानकर उसके आगे नतमस्तक हों। अकबर ने मुल्लाओं के आदेशों का जो उल्लंघन किया था उसे बहुधा इस बात के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि अकबर धर्मांध मुसलमान नहीं था। यह सच नहीं है। अकबर अहमवादी व्यक्ति था और वह चाहता था कि लोग उसे परमात्मा और पैगंबर माने, परंतु हृदय से वह हमेशा धर्मांध मुसलमान था और पूरी तरह धर्मांध मुस्लिम था। मनसरेंट ने धर्म के संबंध में अकबर की धूर्तता को गलत न समझ लेने की चेतावनी दी है। उसने लिखा है, वह अकबर उसी तरह व्यवहार करता रहा। उसने पोप की प्रशंसा की और पुर्तगाली पादरी से कहा कि जब वह अकबर का दूत बनकर यूरोप जाए तो वहां जाकर उसकी ओर से पोप के चरण स्पर्श करे और उसके लिए पोप से कुछ लिखित संदेश लाए। वह ऐसी बातें कहता था जो कोई पवित्र आत्मा राजा ही कह सकता है। उसने यहाँ तक घोषणा कर दी कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मतलब वो पोप से लिखित संदेश लाना चाहता था, यानी कि इतने बड़ा पोप जो है, जो इतने उसके ऊपर है, और वो सोचता था कि मैं बड़ा पवित्र आत्मा हूँ और कहता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मोहम्मद के धर्म को नहीं मानता और मैं केवल परमात्मा को मानता हूँ जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्योंकि उसने ये भी समझ लिया था कि जो मोहम्मद है पैगंबर, वो कोई पैगंबर नहीं है। उसने ये सब छलावा किया है। तो भाई अकबर ने सोचा तो मैं भी ऐसा छलावा क्यों ना कर लूं। अकबर क्योंकि मौलवियों का विरोध करता था और कहता था कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए उनका धार्मिक अधिकार मुझ पर नहीं चल सकता। परिणाम ये हुआ कि गरीब मौलवियों और बदायूनी जैसे धर्मांध इतिवृत्तकारों ने अपनी सभी दैवी आपदाओं के लिए अकबर को दोष दिया। अत्याचारी अकबर की प्रजा होने के कारण उनके पास अकबर की भर्त्सना करने का एक और हथियार था, और वह यह था कि वे उसे धर्म का परित्याग कर देने वाला कहें। उन दिनों के धार्मिक परंपरावादी मुल्ला लोग बादशाह के विरुद्ध धार्मिक प्रतिबंध लागू कर सकते थे, परंतु अकबर तो मौलवियों से अधिक टेढ़ा था, इसलिए मौलवी लोग क्रुद्ध होने से अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। मनसरेट ने, और ये भी बात थी कि अकबर ना उनको भगा भी देता था कि तुम हज पे चले जाओ, तुम फलानी जगह वहां जाके रियासत में रहो, मतलब अपने वहां जो भी जरा सा टेंटे करता उसको वो दूर भेज देता था। मनसरेट ने कमेंट्री के प्रश्न नंबर 64-65 पर लिखा है कि मौलवियों को चुनौती देने के लिए अकबर मोहम्मद साहब द्वारा नियत समय पर नमाज अदा नहीं करता था और रमजान के दिनों में रोजे भी नहीं रखता था। कई बार मोहम्मद का उपहास करता था, विशेष रूप से इसलिए कि अधिक कामुक होने के कारण उसे जूते और पजामे के बिना ही घर से बाहर निकाल दिया गया। इससे बहुत से मुसलमान नाराज हो गए, जिनमें एक व्यक्ति ख्वाजा शाह मंसूर भी था भी है। मनसरंट ने अकबर द्वारा पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाए जाने की बात जो ऊपर कही है उसे हम सही मानते हैं, परंतु इसे उचित रूप में समझ लेना होगा। मोहम्मद का उपहास करने में अकबर का आशय यह था कि उसके सभी प्रजाजन उसे पैगंबर और परमात्मा माने, या ना कि मतलब मोहम्मद को ना माने बल्कि उसे माने पैगंबर। उसका यह आशय नहीं था कि अकबर ने अपनी निपट धर्मांधता त्याग दी। दूसरे धर्मों से प्रभावित होने का स्वांग करके अकबर मौलवियों को सोच में डाले रखता था। इस तरह मौलवियों के मन में हमेशा यह भय बना रहता था कि कहीं अकबर इस्लाम का परित्याग न कर दे। वे जानते थे कि यदि बादशाह ने दूसरा कोई धर्म अपना लिया तो उसका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वो सारे के सारे मारे जाएंगे अगर अकबर ही कन्वर्ट हो जाए किसी और धर्म में। तो इस बात से मुल्ला हमेशा भयभीत रहते थे, और ये बड़ा चालाक था, उनको भी भय में रखता था और खुद इसका कोई धर्म जो दीन इलाही था वो कोई धर्म नहीं था, और ये खुद को पैगंबर बताना चाहता था मोहम्मद से बड़ा। तो या तो धर्म उन्हें धर्म परिवर्तन करने को विवश कर दिया जाएगा या तंग करके मार दिया जाएगा। मौलवियों के सामने इस भय को लगातार बनाए रखने की दृष्टि से अकबर बहुधा दूसरे धर्मों के प्रति अपने प्रेम का दिखावा करता रहता, जिसका उद्देश्य यह था कि मौलवी लोग उसकी कामासक्ति पर आपत्ति न कर सके। वह अन्य धर्मों के पुरोहितों को अपने आसपास बनाए रखता था। उसके दो लाभ थे, एक तो यह देखकर उसके अहम की तुष्टि होती थी कि सभी धर्मों के प्रमुख लोग उसके चारों ओर रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे इससे मुस्लिम मौलवी लोग उससे दूर ही बने रहते थे। मनसरेट ने अपनी कमेंट्री में प्रश्न नंबर 48 पर लिखा है कि जब ईसाई पादरी लोग महल के क्षेत्र में आकर बस गए तब अकबर उनके आवासों पर गया और उसने ईसा और मरियम के प्रति श्रद्धा के रूप में साष्टांग दंडवत किया। मनसरेट ने यह भी लिखा है कि किस तरह अकबर के शासनकाल में इस्लाम का पूर्णतः बोलबाला था। पृष्ठ 26 में उसने लिखा है कि दौलतपुरम यानी धौलापुर आगरा से, जो कि राज्य की राजधानी है, और फतेहपुर सीकरी से, जहां यह मान बादशाह रहता था, एक बराबर दूरी पर है। मुसलमानों के धार्मिक उत्साह के कारण असंख्य मंदिर नष्ट हो गए हैं। हिंदू मंदिरों की जगह पर अगणित संख्या में दुष्ट और पापाचारी मुसलमानों के मकबरे और दरगाहें बना दी गई हैं, जहां उन लोगों की इस तरह पूजा की जाती है मानो वे संत हों। इससे भारत के इतिहासकारों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भारत से मध्यकाल के जो मुस्लिम मकबरे और मस्जिदें मिलती हैं वे प्राचीन हिंदू मंदिर और राजप्रसाद थे। इनसे यह इस भ्रांत प्रचार का भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि मुसलमानों ने जो भवन बनाए उनमें वे मुस्लिम और हिंदू शैलियों को मिलाना चाहते थे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हिंदू शैली से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। पहली बात तो यह है कि अकबर को मध्यकाल के किसी भी मुस्लिम की तरह धर्मांध मुस्लिम सिद्ध किया जा चुका है। दूसरे, जैसा कि मनसरेट ने लिखा है, स्वयं अकबर के समय में भी हिंदुओं की मूर्तियों और आकृतियों को बुरी तरह विद्रूप किया जाता था। इस पृष्ठभूमि में जब हमें मनसरेट की कमेंट्री में पृष्ठ 27 पर बताया जाता है कि जब 1580 में पहला ईसाई मिशन पहुंचा और पादरियों ने दूर से फतेहपुरम नगर को देखा तो वे एकटक देखते रह गए कि नगर कितना बड़ा भव्य है। बड़ा है और भव्य है। तब इससे सिद्ध हो जाता है कि 1580 से पहले भी फतेहपुर सीकरी भली प्रकार बसा हुआ नगर था। ऐसी स्थिति में मुस्लिम इतिहासों में दिया गया है ये विवरण मनगढ़ंत है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1583 और 85 में हुआ। पूरा हो जाने के बाद भी 2 लाखों लोगों को वहां जाकर आबाद होने में समय लग जाता है। मनसरट ने अपनी कमेंट्री के प्राकथन में लिखा है कि मेरे विवरण में जो कुछ भी विषयांतर करके लिखा गया है वह मैंने मुख्यतः बादशाह जलालुद्दीन से जानकर लिखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनसरट फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा निर्मित कराया हुआ क्यों कहता है। अहमवादी होने के कारण अकबर यह मानने को तैयार ही नहीं हो सकता था कि वह अपने दादा बाबर द्वारा विजित पुराने नगर में रहता था। उसने झूठ कहा कि नगर का निर्माण उसने कराया। मनसरट को हैरानी हुई क्योंकि उसमें हाल में निर्माण किए जाने के कोई भी चिन्ह नहीं थे। उसी आधार पर उसने लिखा है कि अवश्य वह नगर रातों रात जादू की तरह बन गया होगा। और विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक के प्रश्न नंबर 159 और 60 पर लिखा है कि अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीने इलाही को मानने वालों की संख्या कभी भी काफी नहीं रही। बलोचमैन ने अबुल फजल और बदायूनी से 18 प्रमुख नाम एकत्र किए। इस सूची में बीरबल ही एकमात्र हिंदू था। अबुल फजल के कत्ल के बाद इस संस्था के जीवित रहने की आशा नहीं की जा सकती थी क्योंकि बदायूनी के अनुसार वह अकबर का सबसे बड़ा चापलूस था और वह लोगों से कहता था कि अपना संपूर्ण धार्मिक ईमान अकबर पर लाओ। यह इसका सबसे बड़ा समर्थक था और अकबर की मृत्यु के बाद उसका कोई अस्तित्व न रहा। यह सारी योजना अकबर के अहम का परिणाम थी जो स्वयं निरंकुश तानाशाही शासन का परिणाम था। दीन इलाही अकबर की मूर्ता का परिचायक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं। स्मिथ ने दीन इलाही को निराधार धर्म कहकर ठीक ही किया है। सच्चाई यह है कि अकबर के इस धर्म का उद्देश्य केवल यह था कि धार्मिक और सामाजिक सब चीजों पर उसका प्रभुत्व हो। अमोघत्व के आदेश के माध्यम से वह इस्लाम के धर्म का प्रमुख बन बैठा था। बारातोशी ने अकबर के दरबार में गए मिशनरियों के हवाले से लिखा है कि अकबर ने अपनी सामान्य सभा का अधिवेशन बुलाया और एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति को हुक्म दिया कि वह सब जगह जाकर मुगल साम्राज्य के नए कानून की घोषणा करें। बादशाह के प्रति निष्ठा के 4 रूप थे: संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म को बलिदान देने की तत्परता। ऊपर जो 4 बातें कही गई हैं उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि अकबर का प्रचारित धर्म क्या था। वह चाहता था कि सब लोग अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म को अकबर के प्रति समर्पित कर दें, यानी कि सब लोग अपनी संपत्ति दे दें। मतलब सबकी लूट लेना चाहता था वो, मतलब सारी लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ जो है वो लोग उसे दे दें धर्म के नाम पर, दीन इलाही के नाम पर। धर्म को अर्पण करने का आशय यह था कि मौलवियों और काजियों के अधिकार को न माना जाए। जीवन और संपत्ति को अर्पित कर देने का आशय यह था कि उसकी संपत्ति और उसके प्रभुत्व को बढ़ाया जाए। अपने सम्मान को समर्पित कर देने का आशय यह था कि यदि अकबर संभोग के लिए या अपने दरबारियों या अपने अतिथियों के हरम के लिए औरतों को उठा ले जाए या कोई मांग करे तो इस पर कोई आपत्ति न की जाए। यह स्वाभाविक था कि अबुल फजल और बीरबल जैसे कुछ निपट चापलूस लोग ही तानाशाह अकबर की अपमान भरी शर्तों को पूरा कर सकते थे। यह कोई धर्म नहीं था, प्रत्युत व्यक्तिगत अहम की विजय का ताना बाना था। अकबर द ग्रेट मुगल में प्रश्न नंबर 125 और 129 तक में लिखा है, स्मिथ ने लिखा है कि इस्लामी मौलवियों को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से जून 1578 के अंत में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद से नियमित मुल्ला को हटा दिया। राष्ट्र का धार्मिक नेता होने के अपने दावे को स्थापित करने की दृष्टि से उसने कुछ तथाकथित परंपरागत प्रथाओं का सहारा लेते हुए निर्णय किया कि वह स्वयं खुतबा पढ़ेगा। द्वयर्थक शब्द अल्लाहू अकबर का प्रयोग किए जाने के कारण बहुत अधिक आलोचना हुई। अबुल फजल ने भी स्वीकार किया कि इन शब्दों के प्रयोग के कारण लोगों में काफी बेचैनी फैली। कभी कभी यह कल्पना किया करता था कि वह इंसान और परमात्मा के बीच की कड़ी बन गया है। उसके विद्वान, चालाक, प्रशंसक अबुल फजल और फैजी जैसे लोग हमेशा उसकी कानों में ऐसी बातों को भरने का प्रस्तुत करते रहते थे और वह शासन सत्ता के अहम के वशीभूत ऐसी चापलूसी को प्रसन्न होकर सुनता था। अल्लाहू अकबर का अर्थ है अल्लाह बड़ा है, परंतु इसका एक यह भी अर्थ है कि अकबर स्वयं अल्लाह है। अकबर ने आदेश दिया कि एक दूसरे को मिलने पर सलाम वालेकुम कहने की बजाय लोग अल्लाहू अकबर कहा करें। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को यह मंत्र पढ़ाकर कि अकबर स्वयं अल्लाह है, उन्हें मोहम्मद और अल्लाह दोनों से हटा देने की यह चाल थी। अलाउद्दीन के भी, जो अकबर से कुछ पीढ़ी पूर्व दिल्ली का शासक था, मन में यह गुप्त इच्छा थी कि मोहम्मद और अल्लाह की जगह उसकी पूजा हो जाए। यानी नार्सिसिस्ट लोग जो थे, जिनमें गॉड कॉम्प्लेक्स था, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी, जैसे हिटलर हुआ, स्टालिन हुआ, माओ हुआ, ये सारे लोग जो थे ये कल्ट के लीडर्स थे। इसी तरह अलाउद्दीन भी था, उसके मन में भी ये सीक्रेट इच्छा थी कि वो उसकी पूजा हो, परंतु अकबर और अलाउद्दीन दोनों आध्यात्मिक नेता बनने में सफल ना हो सके। वे क्रूर, निर्मम, अत्याचारी तथा तानाशाही बने रहे। उन्हें आत्मिक नेतृत्व न मिलने का कारण यह था कि उनमें आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन कपट, जाल, निरंकुश कामुकता और अत्याचार में व्यतीत हुआ था। भारतीय इतिहास की पुस्तकें किस तरह काल्पनिक बातों और अपुष्ट किंवदंतियों के आधार पर लिखी गई हैं, उनका उदाहरण डॉक्टर श्रीवास्तव की पुस्तक में पृष्ठ नंबर 238-39 पर दिए गए इस अनुच्छेद से मिलता है कि अकबर सभी धर्मों को मानने वाले धार्मिक व्यक्तियों की ओर समान ध्यान देता था, और वह हिंदू, जैन और पारसी विद्वानों, संतों और धार्मिक संस्थाओं को इसी तरह अनुदान दिया करता था जिस तरह वह मुसलमानों की संस्थाओं आदि को दिया करता था। इसका प्रमाण कई शाही आदेशों से मिलता है जो कि एस जावेरी की पुस्तक शाही फरमान में सुरक्षित है। 1576 के बाद हिंदू विद्वानों और संतों को कई ऐसे अनुदान तथा देश के कई दूसरे भागों में मंदिरों को कई ऐसे धर्मस्व अवश्य दिए गए होंगे। दुर्भाग्य से ऐसे अनुदानों के आदेश पत्र जन सामान्य द्वारा उपेक्षा और समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो गए हैं। यह धारणा गलत है कि अकबर सभी धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार करता था। इस संपूर्ण पुस्तक में हमने कई समकालीन लेखकों और कई घटनाओं के उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया है कि अकबर एक धर्मांध, मुस्लिम और क्रूर अत्याचारी व्यक्ति था। यदि उसे सब धर्मों को बराबर मानने वाला कहने का आधार यह है कि उसने के दरबार में सभी धर्मों के विद्वान रहते थे, तो उसके उत्तर में हम बता चुके हैं कि अकबर दो मुख्य कारणों से ऐसा करता था। पहला कारण ये था कि जब वह विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रशय और संरक्षण पाने के लिए अपने आसपास घूमते देखता, तो उसके अहम की संतुष्टि होती थी। दूसरे, उनके हमेशा उपस्थित रहने से मुस्लिम मौलवियों को यह भय बना रहता था कि यदि कभी उन्होंने बादशाह पर अपना धार्मिक अधिकार जताने का साहस किया तो वह कोई और धर्म अपना लेगा और तब वह उनसे बदला लेगा। दूसरे, धर्मों के आचार्यों से घिरे रहना अकबर की राजनीतिक चाल का एक अंग था, तो इस कारण वो दूसरे धर्मों के विद्वानों को बुलाता था। एक तो उसको नई नई बातों का भी पता चलता था, उसके अहम की तुष्टि होती थी और मौलवी भी बह में रहते थे। अब हम ये बता चुके हैं कि अकबर की वे फरमान जिनमें दूसरे धर्मों के आचार्यों अथवा पूजा स्थलों आदि को उदारता पूर्वक अनुदान अथवा संरक्षण देने की बात कही गई है, झूठे और दिखावे के हैं। उनका कभी ये आशय नहीं था कि उन्हें कार्यान्वित किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि एक के बाद एक धार्मिक नेता अकबर के पास आकर जिजिया कर से मुक्ति पा दिए जाने और मुसलमानों के अत्याचारों से परित्राण दिलाए जाने की याचना करता था। अपने महल की सीमा में रहते हुए अकबर को उदार, उदात्त, सहनशील और उदार चेता होने का दम भरने में कोई हिचक नहीं होती थी। जो भी याचक आता उसे उसकी हर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया जाता, परंतु महल से बाहर आते ही वह प्रार्थी अपने आप को सूदखोरों, लुटेरों और हत्यारों की दुनिया में पाता था। उन दिनों जब परिवहन के साधन अपर्याप्त होते थे, बादशाह से भेंट के लिए दूसरी बार राजधानी पहुंचना असंभव था। यदि दूसरी बार राजधानी आना संभव हो भी जाता तो यह निश्चित नहीं था कि दरबार में जाने का अवसर मिल जाएगा या बादशाह का स्वास्थ्य ठीक होगा और वह राजधानी में ही होगा। अकबर बहुधा बाहर चला जाता था। यदि इन सब कठिनाइयों के बाद भी दूसरी बार भेंट करना संभव भी हो जाता था तो फिर वैसे ही आश्वासन मिलते थे। अकबर और उसके अधिकारियों के बीच यह बात प्रायः निश्चित हो गई थी कि उसकी न्यायप्रियता और उदारता का दम भरने वाले उसके आदेशों को क्रियान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचकों को इन आदेशों के अनुसार काम न होने पर निराशा होती थी, फिर भी वे इन आदेशों को संभाल कर रखते और लोगों को दिखाते थे और मंदिरों पर खुदवा देते थे। संभवतः कोई भूला भटका लुटेरा इन आदेशों को वास्तविक समझकर उन्हें लूटने की लोभ का संवरण कर पावे और इस तरह उनके जान माल की रक्षा हो सके। तो मतलब ये जो था इसके दरबारी वगैरह, एक तो राजा से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, बादशाह से। अकबर घर अपने महल में नहीं रहता था, इधर उधर चला जाता था, और अगर कोई मिल भी ले, अगर कोई याचिका कोई रिक्वेस्ट करने के लिए इतनी कष्ट उठा के राजधानी तक आए भी, जबकि साधन भी नहीं होते थे आने के, तो भी ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो जो है याचिका पूरी न होने पर दोबारा नहीं आ पाता था, और अगर आ भी जाता तो फिर वो बहाना बना देते थे। अकबर सब धर्मों को बराबर मानता था। ऐसे कहने के पश्चात डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा है कि हर वर्ष अकबर पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस मनाया करता था, और प्रश्न नंबर 244। इससे हमें पता चल जाता है कि वह धर्मांध मुसलमान ही था। यदि ऐसा ना होता तो वह बहुसंख्यक हिंदुओं के पूज्य भगवान राम और कृष्ण के जन्म दिवस को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाता। इसके विपरीत अकबर के बारे में यह तो विदित ही है कि वह ईसा और मरियम के सामने नतमस्तक हुआ था, परंतु वह कभी भी हिंदुओं या जैनियों की मूर्तियों के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। इसका कारण भी उस समय की राजनीतिक आवश्यकता थी। वह पुर्तगालियों को खुश रखना चाहता था, क्योंकि वह अपने आक्रमणकारी आंदोलनों के लिए सबसे बढ़िया शस्त्रास्त्र प्राप्त करते रहना चाहता था, और साथ ही वह पश्चिमी तट की बंदरगाहों में जो पुर्तगालियों के अधिकार में थी, विशेष रूप से मक्कल की जियारत के लिए आने जाने की सुविधा चाहता था। अकबर द ग्रेट पुस्तक में 240-244 पृष्ठ पर डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि शुक्रवार 26 जून 1579 को अकबर फतेहपुर सीकरी की जामिया मस्जिद के मंच पर चढ़ा और उसने वहां खुतबा पढ़ा। बदायूनी का कहना है कि खुतबा पढ़ते समय अकबर कांपा और उसकी आवाज लड़खड़ाई और उसे सहारा देकर मंच से नीचे उतारा गया। उसने खातिब यानी मौलवी से कहा कि बाकी खुतबा तुम पढ़ो। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बादशाह का इरादा कुछ और था, और खुतबा पढ़ने के बाद 2 महीने के अंदर अकबर ने अपने आप को शरीयत या मुस्लिम विधि का मुख्य व्याख्याता घोषित कर दिया। यह घोषणा नाम मात्र के एक प्रलेख द्वारा की, जिस पर उसने दरबार के प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर लिए थे। बदायूनी ने ठीक ही लिखा है कि वह किसी के धर्म, धार्मिक या सामाजिक अधिकार के सामने झुकने की बात सोच भी नहीं सकता था। उस आदेश के द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त अकबर को यह अधिकार दिया गया कि वह एक नए कानून इस शर्त पर लागू कर सकेगा कि वह कुरान की आयतों के अनुरूप हो। इस आदेश के द्वारा निस्संदेह अकबर को बड़ी शक्ति और विवेकाधिकार प्राप्त हो गया था, परंतु वास्तव में वह मुतजाहिद नहीं बन सका। मुस्लिम धर्म का प्रमुख बनने की बात तो बहुत दूर रही। अबुल फजल ने स्वीकार किया है कि इन 2 बातों के कारण बहुत रोष और असंतोष फैला, कि मतलब वो ऐसी जो है चीजें निकाले, आयतें जो कि बिल्कुल कुरान की जैसी हों और उसी के अनुरूप हों। तो एक तो वो खुतबा नहीं पढ़ पाया, वो कांप गया और नीचे उतरना पड़ा उसे, और दूसरी बात कि उसको जो ये अधिकार था कि वो बिल्कुल वैसी ही आयतें निकाले। उपयुक्त अनुच्छेद से स्पष्ट है कि हृदय से अकबर एक धर्मांध मुसलमान ही था। वह केवल इतना चाहता था कि उसे लोगों के धार्मिक जीवन पर पूरा अधिकार प्राप्त हो और वह बिना रोक टोक और किसी आपत्ति के जो चाहे कर सके। वह हमेशा केवल कुरान और मुस्लिम कानून की भाषा में सोचता था। इसलिए यह कहना कि वह सब धर्मों को मिलाना चाहता था या वह सब धर्मों का आदर करता था, गलत और स्वतः खंडित है। श्री शैलट की पुस्तक अकबर में प्रश्न नंबर 255 और 57 पर लिखा है कि हिंदुओं में से केवल बीरबल उसका अनुयायी बना। हेग जैसे गंभीर इतिहासकार का कहना है कि रिश्वत और दबाव के कारण 18 अन्य प्रमुख व्यक्तियों को इस धर्म में सम्मिलित किया गया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रश्न नंबर 131 पे दिया है। यानी कि 18 लोगों को तो जबरदस्ती दरबारी बनाया गया, और खाली बीरबल को छोड़कर और कोई हिंदू अपने आप से उसका अनुयायी नहीं बना। मान सिंह ने कहा है कि यदि अनुयायी बनने का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने को प्रस्तुत रहूं, वह तो मैं पहले ही हूं। इस धर्म में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पगड़ी हाथ में लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होना पड़ता, और वह पगड़ी बादशाह के चरणों में भेंट कर देनी पड़ती थी। तब बादशाह उसे अपने हाथों से उठाता, उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता और उसे एक डंडा देता, जिस पर अकबर का नाम अल्लाहू अकबर शब्द अंकित होते थे। अब आपको पता है कि उर्दू में अकबर का शब्द होता है मतलब महान, तो मतलब इसके 2 मीनिंग निकलते हैं अल्लाहू अकबर का। एक तो अल्लाह बड़ा है, मतलब अल्लाह जो है वो महान है, और दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अकबर ही अल्लाह है, यानी कि अकबर ही अल्लाह है। और दीने इलाही कोई नया धर्म या नया मत नहीं था। वह एक ऐसा वर्ग था जिसका उद्देश्य शायद यह था कि जिसके नेता की पूजा की जाए। हम विद्वान लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत हैं। दीन इलाही में प्रवेश पाने के ढंग से ही सिद्ध हो जाता है कि इसमें अकबर के व्यक्तित्व के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती थी, किन्हीं विशिष्ट आचरण या नियमों के प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मान सिंह का कथन भी ध्यान देने योग्य है। उसे स्पष्ट था कि अकबर अपने प्रति पूर्ण समर्पण चाहता है जिसमें धर्म नैतिकता और धर्म संकोच आदि की कोई आवश्यकता नहीं थी, और उसके दरबारी पिट्ठू और दूसरे लोग यह समर्पण उसे बिना मांगे देते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उन्होंने ऐसा ना किया तो अकबर इसका बदला लेगा। अकबर उनसे यह भी कहता था कि शपथ लो और यदि तुम्हें मुस्लिम मुल्ला वर्ग द्वारा तुम्हारे किसी अनैतिक कर्म को गैर कानूनी ठहराए जाने का भय हो तो इसे अपने मन में से निकाल दो और अकबर का इस तरह आदर सम्मान करो मानो वह देवता हो। तो जो व्यक्ति किसी वर्तमान धर्म का उल्लंघन करता है वह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे किसी धर्म का संस्थापक हो। मान लीजिए कोई बेटा अपनी माता या दादी के रूढ़िवादी नियमों को नहीं मानता, उसका कहना यह है कि एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते मैं धर्म के पुराने विचारों को नहीं मानता और मेरा अपना ही एक धर्म है। युवक के इस व्यवहार को देखकर हम कह सकते हैं कि उसने अपने धर्म की सुस्थापित परंपराओं का उल्लंघन किया है, परंतु उसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि उसने किसी नए धर्म की स्थापना की है। इसी तरह कह सकते हैं कि अकबर ने मौलवियों के अधिकारों का तिरस्कार किया क्योंकि वे अकबर द्वारा अपनी महिलाओं के बलात् अपहरण का विरोध करते थे, परंतु इससे यह भी सिद्ध नहीं हो जाता कि अकबर किसी नए धर्म का संस्थापक था। उसके आचरण से यही सिद्ध होता है कि वैशिष्टता के सभी नियमों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति था। वह याद रखना चाहिए कि स्वयं अकबर इस नए धर्म का अनुपालन करता नहीं था। यदि उसने किसी नए धर्म की स्थापना की होती तो वह सबसे पहले यह घोषणा करता कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ और अब मुझे मुसलमान न माना जाए। ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का नाम बदल देता। यदि नया धर्म बना होता तो वह मुस्लिम मौलवियों को भगा देता और उनके स्थान पर नए धर्म के मौलवियों को रखता। यदि अकबर ने वास्तव में एक नए धर्म की स्थापना की थी तो उसके पास इतना सैनिक बल था कि वह हजारों व्यक्तियों को नया धर्म स्वीकार करने पर विवश कर सकता था, जैसा कि संपूर्ण विश्व में मुसलमानों ने किया। ऊपर हमने जो कुछ भी कहा उसे ध्यान में रखते हुए हमें आशा है कि इतिहास के विद्वान और छात्र दीने इलाही को धर्म मानने की बात तो छोड़ देंगे और उनका असली रूप देखेंगे, जो इस तरह है कि वह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका मनसरेंट के शब्दों में उद्देश्य था मानव की आत्मा का हनन करना और लोगों को अपनी जीवन संपत्ति धर्म व सम्मान पूर्ण रूप से अकबर को समर्पित कर देना। इसे किसी भी दृष्टि से धर्म नहीं कहा जा सकता, इसकी किसी रूप में भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। यह एक घृणास्पद व्यवस्था थी जिसने चारों ओर घृणा ही घृणा फैलाई और जिसके कारण कई जगह विद्रोह हुए। तो मुझे लगता है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और तो हमने आज देखा कि दीन इलाही जो था वो कोई धर्म वगैरह नया धर्म नहीं था, वो एक मतलब रिबेलियन था, क्योंकि वो जो है वो बड़ा मूडी और अकबर बड़ा तानाशाह बड़ा जो कहते हैं ना डिक्टेटर था और दूसरों की बातों को नहीं मानता था। तो जो इस्लामिक मौलवी थे केवल उनका विरोध करने के लिए उसने ये नया धर्म निकाला था, पर अगर ये नया धर्म वास्तविकता में होता तो वो उन मौलवियों को हटाकर नए मौलवी रखता। वो डिक्लेयर करता कि भाई मैं आपसे मुसलमान नहीं हूँ बल्कि इस नए धर्म का अनुयायी हूँ, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये कहना भी गलत है कि अकबर जो है सारे धर्मों को इक्वल मानता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हिंदू मंदिरों को ध्वस्त नहीं करता और जिस जोर शोर से वो पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाता था वैसा ही वो दूसरे जो है हिंदू त्योहारों को भी मनाता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिहाजा जो है वो दूसरे धर्मों के लोगों को वहां जोड़कर इसलिए रखता था क्योंकि उसके अहम की तुष्टि होती थी, उसे नई बातों का पता चलता था। आपने साईं बाबा वाले उसमें भी देखा था कि साईं जो था वो दूसरे जो है भगवत गीता और जो दूसरे लोग अपने ग्रंथ पढ़ते थे उनकी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ग्रेस्प कर लेता था साईं बाबा। तो इसी तरह हमने ये भी देखा कि जो आगा खानी मुसलमान है वो लोग भी जो है कहते हैं कि भाई हम विष्णु भी हैं और हम जो है अल्लाह के भी अवतार हैं और विष्णु के भी हैं, हम ही हैं, मतलब हम ही अल्लाह भी हैं और हम ही विष्णु भी हैं। तो ये गलत इसलिए कहते थे क्योंकि उनको लगता था कि बहुत चढ़ावा आ रहा है विष्णु के ऊपर, तो इसलिए वो अपने आप को विष्णु जैसा डिक्लेयर करते थे। ये एक बड़ा हाई लेवल का अलतकिया है। इसी तरह जो अकबर है वो हाई लेवल का अलतकिया करता था, उसको लगता था कि एक तो उसके अंदर परमात्मा कहलाने की या पैगंबर कहलाने की, सॉरी परमात्मा नहीं पैगंबर कहलाने की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि भाई सब लोग मुझे पैगंबर माने। इसलिए अल्लाह अकबर के दो अर्थ होते हैं। अकबर मतलब बड़ा, तो अल्लाह ही बड़ा या फिर अकबर ही अल्लाह, ये दोनों ही अर्थ निकलते हैं। तो वो ये चाहता था कि उसके दिमाग में ये था कि भाई लोग मुझे माने पैगंबर, और दीने इलाही कोई धर्म था ही नहीं, ना तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ना उसमें कोई ऐसी बड़ी आध्यात्मिकता तो खैर उसमें थी ही नहीं अकबर में कहीं दूर दूर से भी, क्योंकि वो कपटी धोखेबाज और क्रूर व्यक्ति था। और न ही उस धर्म के कोई पुजारी पंडित थे, मतलब कोई भी उसके कोई प्रीस्ट नहीं थे, ना कोई उसका मंदिर था, ना कोई उसका वो था। और इसी तरह ये एक हाई लेवल का अलतकिया था जो अकबर के अहम को वो करता था, जोर देता था। तो इसी के साथ मैं आपसे जो है आपको बहुत साधुवाद सुनने के लिए अकबर का, और अकबर का सुनना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकबर जो है वो सब लोग कहते हैं कि भाई सारे मुगल तो खराब थे पर केवल अकबर ये बड़ा अच्छा था। तो हमने यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स में अब तक 22 चैप्टर हम देख चुके हैं, और उसमें हमने देखा है कि अकबर जो था कहीं से भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, एक अच्छा मनुष्य भी नहीं था, एक अच्छा राजा तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छा मनुष्य भी नहीं था वो। तो इसलिए जो है वो ये जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने अकबर का विषय उठाया। तो आप लोग इस जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मुझे श्रमदान के द्वारा सपोर्ट कीजिए। तो कम से कम हर व्यक्ति जो आज सुन रहा है उसका ये कर्तव्य है कि वो आगे 2 जगह इस वीडियो को शेयर करें। भक्ति रसधारा जी बिल्कुल अकबर जैसे सभी इस्लामिक आक्रांताओं विदेशी लुटेरे थे जो भारत को लूटने और दीन के लिए लड़ाई करते रहे। बिल्कुल हाँ, और अकबर के बारे में इसलिए मैंने कहा, ये तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि लोग उसको अलग कहते थे और मुगलों से। इस्लाम विरोधी जी आपको भी नमस्ते, और कृष्णा हर्षा जी आपको भी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। रितेश सिंह जी आपको भी नमस्ते, जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। और मेरे से कोई बातचीत करना चाहता है, मैं थोड़ी देर बैक स्टेज पर हूँ आप लोगों की वेट करने के लिए कि कोई मेरे से बातचीत करना चाहता हो तो मैंने लिंक दे दिया है और आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं जो चाहते हैं।